क्या पसंद है मायरा को? गाइस मायरा ने ना पिंक कलर की नेल पॉलिश ली थी और मैंने ना कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई। मुझे कभी नेल पॉलिश पसंद तो है लेकिन मैं नमाज की वजह से नहीं लगाती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मेरी बेटी को ना नेल पॉलिश बहुत पसंद है। मायरा आपने किस कलर की नेल पॉलिश ली थी? इन्होंने पिंक कलर की अपनी चच्ची से नेल पॉलिश ली थी, अब वो शायद उनके घर पे ही रह गई, तो तब से ये रोला डाले हुए हैं कि मुझे चल के नेल पॉलिश दिलवाओ। और मायरा की बड़ी पसंद है, आपको पता है, ये पर्स जाएंगी अगर वहां पे मार्केटों में तो पर्स पसंद करेंगी और चप्पलों पे लटक जाएंगी। आज जुमे का दिन है, अभी तक मैंने नहीं नहाया, सब नहा चुके हैं, बस अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद नमाज वमाज पढ़ूंगी। और आज मैं रोज़ा थी और हमीदाबा जी आई, वो काम करके चली गई और एक कमरे में बच्चे सो रहे थे क्योंकि आज बहुत लेट उठे बच्चे, तो वो कमरा मुझे ही साफ करना पड़ा। तो रोज़ा रख के तो ज़रा सा भी काम करो ना, बहुत थकान हो जाती है। इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप हो रही है, मेरे हरे हरे पौधे सारे सूखते जा रहे हैं सब। तो गाइज मैं तो नहा के आ चुकी हूँ, बस अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मुझे हमेशा बहुत देर हो जाती है, मुझे 3 बज जाता है। कौन आया मायरा? मुझे हमेशा 3 बज जाते हैं नहाते नहाते। वहाँ रोशनी थी, देखो चेहरे पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है रोशनी का। अब मैं वो व्लॉगिंग किट ले लूँगी ना जिसमें ऊपर बल्ब लगा होता है, तो उससे रोशनी बड़ी अच्छी सी आती है। जहाँ पर भी आप रोशनी पे आते हैं कैमरा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करता है, और जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ कैमरे का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, डल कर देता है। तो बस जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, बहुत टाइम हो गया। रोजैन और फसी तो चले गए थे कब्रिस्तान। कौन है बेटा? तो आप क्यों अकेले खोल के खड़ी हो जाती हो? वो लोग कब्रिस्तान चले गए, बस वो लोग भी आ ही रहे होंगे। तो बस मैं आपको नमाज पढ़ के और थोड़ी देर आराम करूंगी कुरान पढ़ के, फिर मैं आपको मिलूंगी। तो गाइस मैं तो नमाज पढ़ चुकी, 12वीं पढ़ चुकी। आज मेरी सीधी आंख से और सीधी साइड पे, मतलब राइट साइड पे बड़ा दर्द सा है, इतनी आँख का अजीब सा दर्द हो रहा है, कभी पहले नहीं हुआ। जैसे एक नस कोई वो दर्द कर रही हूँ आँख के अंदर। तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, आधा घंटे के लिए। औरतों की ज़िंदगी में आराम होता ही नहीं है भाई, ना रात का आराम ना दिन का आराम, कोई आराम नहीं। और अगर वो कोई हाउस वाइफ के सिवा कोई अदर काम करने लगे ना, तो समझ लो अपने सर पे उन्होंने खुद से ही पैरों को कहते नहीं कुल्हाड़ी मार ली है। वो अलग काम होता है, घर के भी सारे काम निपटाओ, बच्चों को भी देखो, अपना अगर आप जॉब या कुछ ऐसा काम कर रहे हो पर्सनली, उन्हें उसे भी संभालो, बहुत मेहनत हो जाती है। सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए बस आराम कर लूँ, उसके बाद उठूँ, क्योंकि गैस भी अभी 4:30 पे आएगी, फिर काम शुरू करते हैं। बस मुझे थोड़ी निन्नी आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। आज मैंने ना ये सूजी के गाइस पकौड़े बनाए हैं और इतने ज़बरदस्त बने और देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। आज बेसन खत्म हो गया अचानक, बेसन खत्म हो गया, फिर मैंने सूजी को बेसन में मिला के पकौड़े बना दिए, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा कम ही खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। मैं तो एक दो खाती हूँ, फंसी भी एक दो खाते हैं। और आज ये मैंने ये वाली दही फुल्की बनाई है, ये हम लोग इंडिया में खाते थे ना, वो पतला सा दही करके मैंने बनाया है, उसमें दही की फुल्की। रोजैन पकौड़ी कैसी लग रही है? रोजैन का रोज़ा पहले ही खुल गया है। अच्छा रोजैन का नाम पता है आप लोगों को? रोजैन क्यों रखा है आपको पता है रोजैन का नाम रोजैन क्यों रखा है? रोजैन 6 रमजान को पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम रोजैन कर दिया गया था कि 6 रमजान को पैदा हुए थे तो रोजैन इनका नाम रख दिया था। मतलब अजान का टाइम हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं अजान के टाइम का। आज मेरे साथ वही वाली मिसाल हो गई है कि पेट में पड़ा चारा और कूदने लगा बेचारा। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और मैं सोच रही थी कि मैं धो लूं उन्हें, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। रमजान में रोजे रखने की वजह से दिन भर आप कपड़े वपड़े नहीं धो सकते भाई, इतनी हिम्मत होती ही नहीं है। तो इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े धो लूं। मेरी नाक में अक्सर खुजली हुआ करती, पता नहीं क्यों, कोरोना होता तो शायद सब मुझसे दूर भागते होते। तो बस मशीन लगा ली है मैंने, कपड़े धोऊंगी आज रात में, आधे कपड़े आज धो लूँगी आधे कल धो लूँगी, बस कवर हो जाएंगे ईद तक के सारे कपड़े। तो ये देखिए अभी मैंने मशीन में पाइप लगाया है, पानी भर रहा है अभी तो मशीन में। ये मैंने मशीन ली थी इम्तियाज़ से लिया, मेरा हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला है इलेक्ट्रॉनिक, और 5-5, 6-6 साल हो गए हैं उनको, एक ज़र्रा बराबर उनमें कोई फ़र्क नहीं आया कुछ भी, कि कोई चीज़ की ख़राबी हुई हो। तो अभी मैंने खा, पता है आज मैंने खाना भी नहीं बनाया था, अब साथ साथ में खाना बनाऊंगी और कपड़े धोऊंगी और काम।
गाइस मैंने यहाँ आलू के कतले बना लिए हैं क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है तो बस यही एक सबसे आसान सब्ज़ी समझ में आती है जो फसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये बन के तैयार थे और मेरी मशीन भी साथ में लगी हुई थी तो थोड़े थोड़े कपड़े धुले जा रहे थे साथ में। मैं सारे ही कपड़े धो के ख़त्म कर दूँगी। बहुत गर्मी है गाइस, इतनी ज़्यादा कि पूछो नहीं, शायद मुझे ही लग रही है। मैंने इतना सारा काम छेड़ लिया और पता है मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से मैं काम कर लूँ, सारे काम आज समेट लूँ मैं खुद ही। मेरी जो मासी है वो मुझसे कहती है कि बाजी आपको बिल्कुल बैठने का शौक नहीं है, मैं उसके साथ भी लगी होती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के हाथ का किया काम मुझे समझ ही नहीं आता, जैसा लगता है कि बस ऐसे ही रह गया। मैं तो बस इसलिए रख लिया है मैंने कि कभी कभी अचानक इंसान बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर आप तरसते रह जाओ कि कोई एक बंदा हो जो कुछ काम कर दे, एक ग्लास पानी भी दे दे। तो बस इसीलिए मैं मासियों को रखती हूँ साथ में कि जो है ना कभी भी ऐसी अल्लाह ना करे वो पड़े आफत तो कोई रहे तो। मेरे पास इतनी है जैसे मेरे पास हम लोगों के घर में इंडिया में था, सेम उसी तरीके से कि यहाँ भी मेरे पास बहुत मासियाँ और बहुत लोग हैं जो मेरा काम करते हैं। जिसको भी मैं फ़ोन कर दूँ वो पहुँच जाएगा मेरे तक काम करने के लिए। अभी मेरी हालत ऐसी हो रही है ना, एकदम चिकनी ऑयली स्किन, मेरी एक तो ऑयली स्किन इतनी ज़्यादा है, सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में स्किन एकदम ड्राई और गर्मियों में एकदम ऑयली। और मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया है बाल का, कैरेटिन करवाने का बालों में, तो कल मुझे उसने पार्लर वाली बुलाया है कैरेटिन करवाने के लिए। वैसे मेरे बाल अच्छे हैं, शाइनी हैं, लेकिन थोड़ा सा रफ रफ हो रहे हैं। मैंने सोचा लाओ मैं अभी कैरेटिन करवा ही लेती हूँ, तो बस कल अब मैं कैरेटिन करवाऊंगी बालों में। आज मैं रात में मुझे सब तरफ ही मुझे लग रहा है कि इधर भी हाथ लगा लूँ, काम कर लूँ, उधर भी कर लूँ। देखती हूँ कितनी बजे रात तक, जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती हूँ काम करती रहूँगी। किसी के पास इतना स्टेमिना है अफ्तारी के बाद वो इतना काम करे। अब मैं खाना भी बना रही हूँ, साथ में मशीन भी लगाई है, मैंने सारे कैबिनेट भी उजाड़ के रख लिए हैं कि मैं सब साफ़ करूँगी। और कपड़े इतने हैं ना, क्योंकि रमज़ानों में भाई कौन कपड़े धोता है, दोपहर में रोज़ा रख के तो मुझसे नहीं धोए जाते। तो अभी वही सारे कामों को अंजाम दे रही हूँ। और मुझे जाना था, शादी है, तो फिर मैंने सोचा था मैं कुछ साड़ी वाड़ी बनवा लूँ, ले लूँ। फसी को बोला था चलने के लिए, लेकिन फसी ने बोला है कि वो कल। इस काम ख़त्म हो चुका था, रात के बज रहे 1:30 और बच्चे भी मेरे साथ नहा चुके थे, तो मैंने यहाँ पे अपना खाना गर्म किया क्योंकि भूख बहुत तेज़ थी। तो हो चुकी है रात बहुत ज़्यादा और ये लोग भी जगे हुए हैं, 2 बज रहे हैं और मैं इनसे कह रही हूँ सो जाओ, कह रहा है रोज़ा रखूँगा आज। तो गाइस हम लोग सो रहे हैं, सहरी के टाइम आपसे मिले, आप लोग भी सो जाओ हम।